Hey yo, what's up and welcome to my yet another vlog. This vlog is an honest review about. Liger. 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 I was right in the first time. Nami aisa hai, Liger. नाम सुन के किसी को एक्साइटमेंट आ जाए ओ साउथ इंडियन मूवी कितनी होगी कैसी होगी अब पता चलेगा कैसी है क्योंकि मैंने कल ही देखी है वो मूवी एंड आई एम लिटरली बैफल्ड एट द टाइम मुझे अभी तक वो मूवी याद है एक एक, एक, एक उसका स्कीन याद है मतलब सो लेट्स गेट ऑन द वीडियो सो एज आई वाज सेइंग लाइगर मूवी इज इन लुक्स वाइज गुड मतलब उसका पोस्टर ऑब्वियसली देखा होगा तो अच्छा ही दिखता है ट्रेलर भी कुछ अगर म्यूट करके देखो तो एक्शन अच्छा वाइज अच्छा है बट लेट्स गेट ऑन द ऑनेस्ट रिव्यू पार्ट द मूवी सक्स बिग टाइम सक्स इतनी गंदी मूवी मैंने जीवन में आज तक नहीं देखी और इतना खर्चा करके मतलब नॉट इतना खर्चा बट फिर भी खर्चा करके इतनी गंदी मूवी नहीं देखी अगर इतनी गंदी मूवी देखनी थी तो उसको नेटफ्लिक्स या प्राइम पे देख सकते थे बट जस्ट फॉर गेनिंग अ हेड एक एक्चुअली लाइगर इज ऑल अबाउट अ गाय स्टैम एंड देन ही मीट्स अ गर्ल एंड देन दे द गर्ल इज प्योरली चीप मुझे अनन्या पांडे का रोल ही नहीं समझा उसके अंदर वो इतनी चीप एंड डाउनग्रेडेड लड़की की तरह बिहेव करती उसके अंदर बल्कि दिखाया कि वो बहुत ही ज़्यादा हाई क्लास घर से कोई भी हाई क्लास घर की लड़की इस तरीके से डाउनग्रेडेड हरकतें नहीं करती बट उस हिसाब की उसमें हरकतें दिखाई गई है वो एक लड़के के पीछे भागती है और उसके साथ हर वो चीप हरकत करने की कोशिश करती है जो उसको नहीं करनी चाहिए लिटरली मतलब कौन ऐसी हरकतें करता है आज के टाइम में कौन इस तरीके से वुमेन को दिखाता है और कौन ऐसे देखना चाहता है मतलब क्या कोई लड़की आपको मिलती है तो कोई मतलब जस्ट बिकॉज किसी को इसलिए देखेगी कि ओ माय गॉड ही तो मतलब जाके उसके मतलब हक वक करो मेक्स नो सेंस दैट्स नॉट लव सारी दुनिया को पता ये बट नहीं कट अगर मैं अनन्या पांडे के बारे में बोलूँ इस मूवी के अंदर एब्सुल्यूटली नो लाइक नो एक्सप्रेशन ओह दीज एक्सप्रेशन्स आर नथिंग इससे भी कम एक्सप्रेशंस और डायलॉग्स आर सो चीप सो बैड मतलब ए कर ये वो ऐसा लाइक इट्स लाइक फुल टपोरी टाइप एंड शी बिलोंग्स टू अ वेरी हाई क्लास पर्सन हाई क्लास सोसाइटी सॉरी नॉट पर्सन शी लुक्स लाइक अ हाई क्लास पर्सन बट शी बिहेव लाइक अ वेरी चीप पर्सन विच इज नॉट एक्सेप्टेबल कोई भी लड़की अपने आप को इस तरीके से पोर्ट्रेट नहीं करेगी अगर वो इतने अच्छे घर की हो फर्स्ट ऑफ ऑल सेकेंड स्टोरी के अंदर कोई स्टोरी नहीं है सरप्राइजिंग राइट मतलब कोई स्टोरी नहीं है कोई सुर पैर नहीं है यहां से कुछ हो रहा है वहां से कुछ हो रहा है यहाँ मतलब कोई वो कभी हीरो नेशनल चैम्पियन बन गया तो कभी बिना इंटरनेशनल चैम्पियनशिप के फाइनल राउंड में लड़े इंटरनेशनल चैम्पियन बन गया मतलब इट मेक्स नो सेंस एट ऑल आप अगर हाफ मूवी देखेंगे तो आपको हाफ मूवी देखने के बाद द बेस्ट पार्ट लगेगा जो उसका इंटरवल है क्योंकि उस टाइम पर आप बाहर जा पाएंगे एक दूसरे से बात कर पाएंगे और आपको बेस्ट पार्ट लगेगा मतलब एक दिमाग की पूरी मदर सिस्टर कैसे होती है ना वो इस मूवी ने दिखाई बता है बताया कि कैसे आप एक मदर लो और एक सिस्टर लो और उसको मिक्स कर दो वो इस मूवी के अंदर हुआ है जस्ट बिकॉज आप लोग समझ रहे हो कि मैं क्या बोलना चाहती हूँ मुझे इतनी स्पष्ट भाषाओं में नहीं बोलना है वो एग्जैक्ट वर्ड्स बट लिटरली ब्रेन का वैसा सीन हुआ है इसमें और ये मेरा ही नहीं इस उस हॉल में बैठे हुए टोटल छः जन थे और छो के छो का ही हाल था चलो छः भी मैंने कम बोल दिए होंगे दस मान लो दस जन होंगे और पूरे के, पूरे के लोगों का यही हाल था एट दी एंड एवरीबडी वॉज लाइक मूवी देखी भी तो कौन सी लाइगर और उसके अंदर भी हो गया दिमाग का टाइगर हीरो लुक्स गुड एक्स अटरली रामेश अनन्या पांडे एक बार उसकी लाइफ से बाहर जाती है और फिर एकता कपूर के सीरियल की तरह वापस से घूम फिर के आ जाती है मतलब पूरी तरफ सिर्फ एकता कपूर का सीरियल चल रहा था जिसमें कोई ड्रामा नहीं था कोई स्टोरी नहीं थी और बिल्कुल मज़ा नहीं था एटलीस्ट वहाँ पे अगर मैंने नेटफ्लिक्स ऑन कर लिया होता ना तो मुझे उससे ज़्यादा मजे मिलते लिटरली अगर आपको इस मूवी को देखने जाना है तो मत देखने जाइएगा बट अगर आप एक कपल हैं और आपको खाली थिएटर की जरूरत है तो आप ज़रूर जा सकते हैं क्योंकि दैट्स द the... होल पॉइंट ऑफ द स्टोरी शायद इसीलिए बनाई गई है क्योंकि कपल्स के लिए ये सबसे बेस्ट टाइमिंग है ऐसी मूवीज़ को जाने का आई रियली होप कि आप लोग में से कोई भी मूवी बनाया जाए और अगर मुझे स्टार्स देने हो तो आई गिव हिट अ जीरो स्टार नॉडविन अ सिंगल स्टार बट हाफ स्टार आई कैन गिव फॉर द एक्शनज एंड ऑल जस्ट दैट्स इट क्योंकि उसमें मार्शल आर्ट्स का बहुत अच्छा एक्शन अच्छा अच्छा है बाकी बकवास मूवी वेस्ट ऑफ टाइम एंड सो आई होप आप लोगों को ये रिव्यू अच्छा लगा होगा और आप लोगों को कुछ यूजफुल होगा ये रिव्यू आई नो आप लोगों में से कई सारों ने ढीड बन के फिर भी जाके देखना है तो सुनेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बट खेर हैव अ ग्रेट डे ग्रेट टाइम एंड एन्जॉय योर टाइम प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव फन बाय